मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय युद्धों में रक्षा नीतियाँ, इसका दूसरा भाग या अगला पार्ट। ठीक है, चलिए अगला पार्ट में हम देखते हैं, हम लोगों को पढ़ना है वो राजदूतों से। चलिए हम लोग वहाँ पर, तो हम लोग पढ़ेंगे आज राजदूतों के बारे में। बाकी इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं युद्ध विद्या विभाग तक। ठीक है, राजदूतों के बारे में, राजदूत क्या होते थे? ये प्राचीन भारतीय प्राचीन काल से ही एक दूतों का विशेष महत्व रहा है। ठीक है, जिनका अपना दूतों का कार्य क्या होता था? अन्य राजाओं तक अपने राजा की सूचना को पहुंचाना। ठीक है, अन्य राजाओं तक अपने राजा की सूचना को पहुंचाना, ये होते थे राजदूत। इसमें देखा जाए, थोड़ा सा उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भगवान राम ने हम उदाहरण दे देते हैं उदाहरण से आप लोग अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। उदाहरण जैसे राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा था। आप सब लोगों को मालूम है, जब राम रावण का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उसके पहले भगवान राम ने रावण को एक मौका देना चाहा था कि वो सीता को वापस कर दे। इसके लिए अंगद को उन्होंने दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा था। बाकी उसके पहले हनुमान को भेजा गया था। उस समय हनुमान का प्रयोग अगर देखा जाए तो एक प्रकार से हनुमान सीता की खोज करने गए थे। एक प्रकार से उनका वेश गुप्तचर के रूप में वो गए थे और अपने आप को रावण के सामने उन्होंने दूत के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं पांडवों ने भगवान कृष्ण को हस्तिनापुर की सभा में दूत बनाकर भेजा था। महाभारत के अंतिम समय में अंतिम दूत, जो कि ये भी जो है दुर्योधन से कहने गए थे कि आप जो है पांडवों का राज्य वापस दे दीजिए या कम से कम उनको 5 गाँव दे दीजिए। ठीक है, ये बात दूसरी है कि होना कुछ और होता है तो कोई किसी की बात नहीं मानता। और इसमें भी कौटिल्य ने 3 प्रकार के राजदूतों का उल्लेख किया है अपने अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसमें जो प्रमुख हैं निफ्रिष्टार्थ जो होता था, ये भी एक ऐसा राजदूत था जो प्रथम श्रेणी का राजदूत होता था, जो अपनी बुद्धि से राजा की ओर से कोई भी निर्णय ले सकता था। ये बच्चों पर नहीं से होना चाहिए, तो राजा की ओर से अपनी बुद्धि से कोई भी निर्णय ले सकने में सक्षम था। अर्थात राजा का इतना बड़ा विश्वास पात्र, जो एक प्रकार से राजा का ऐसा प्रतिनिधि होता था जो स्वयं भी राजा बनकर निर्णय ले सकता था। ऐसे विद्वतों में कौन कौन से थे? हनुमान को आप कह सकते हैं, अंगद को कह सकते हैं। ठीक है, और उधर जो है पांडवों के दूत भगवान कृष्ण को कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा निर्णय जो कुछ भी लिया था अपनी बुद्धि से भी लिया था, जो कि राजा के आदेश, राजा का आदेश ना होते हुए भी, क्योंकि राजा के विश्वास पात्र है। जैसे देखा जाए हनुमान को भगवान राम ने केवल सीता का पता लगाने के लिए भेजा था, ना कि उनको ये कहा था कि आप जाके लंका को फूंक के चले आइए। ठीक है, इसी प्रकार अंगद को भी भगवान राम ने कहा था कि एक मौका दे दीजिए उनको, लेकिन अंगद जहाँ जाकर जुआ खेल के चले आए, वो भी जुए में जीत भी गए। डायरेक्ट उन्होंने ये कहा ना कि मैं अपना पैर जमा रहा हूँ, अगर आप में से कोई मेरा पैर को उठा दे तो भगवान राम बिना युद्ध लड़े ही अपनी हार मानकर चले जाएंगे। ठीक है, अर्थात भगवान की ओर से निर्णय लेने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। भगवान कृष्ण को ही देख लीजिए, उन्होंने पांडवों ने कहा था कि हमारा राज्य वापस मांग लीजिएगा इंद्रप्रस्थ, भगवान श्री कृष्ण वहां जाकर न्यूनतम मानक रख दिए कि उन्हें 5 इंद्रप्रस्थ छोड़िए 5 गांव दे दीजिए। लेकिन वही कहते हैं ना, जिसके सर पे काल मंडराता रहता है उसको कोई अच्छी सी बात भी अच्छी नहीं लगती। तो निफ्रिष्टार्थ जो होते थे ये प्रथम श्रेणी के दूत होते थे, जो कि राजा की ओर से हर प्रकार का निर्णय ले सकते थे। उसके बाद जो हैं परमितार्थ, ये द्वितीय श्रेणी के राजदूत होते थे, जो कि अपने राजा के शब्दों को उन्हीं की भाषा में व्यक्त करते थे। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के राजदूत को हम कह सकते हैं शकुनी पुत्र उलूक, जिसे पांडवों ने कौरवों ने अपना दूत बनाकर डायरेक्ट जो है भेजा था पांडवों के पास कि आप लोग जहां रहिए वहीं खुश रहिए, यहां मत आइए, कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, ये जो है अपनी बुद्धि से, ये बुद्ध बच्चों लिखा है, ये है बुद्धि, अपनी बुद्धि से कोई निर्णय नहीं ले सकता। अर्थात राजा के शब्दों को ज्यों का त्यों जो है सुना देना और संदेश लेकर वापस चले आना। तीसरे प्रकार का जो राजदूत होता था उसे कहा जाता है शासनहर, जो कि केवल, ये बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया है, ये होता था पत्रवाहक, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्टमैन। ठीक है,
तो चिट्ठी लेके आते जाते थे डाक विभाग के, हम लोगों को चिट्ठी देते हैं, हम लोग चिट्ठी ले जाके पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, तो पोस्ट ऑफिस हमारे चिट्ठी ले जाके पहुँच जाता है। तो फाफनहर जो होते हैं ये केवल पत्रवाहक होते हैं, डायरेक्ट चिट्ठी ले आना ले जाना, ठीक है। इसमें जो प्रथम श्रेणी के राजदूत हैं निःफ्रिष्टार्थ, ये इनके लिए ऊपर तो खतरा मंडरा सकता है, ठीक है। बाकी फाफनहर जो होते हैं इनको केवल पत्रवाहक का कार्य करना होता है, बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। अगला है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग का कार्य क्या होता था, पड़ोसी राज्यों के पास जाकर गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करना, पड़ोसी राज्य में या शत्रु राज्य में या अपने ही राज्य में, ठीक है, गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करना, यह विभाग गुप्तचर विभाग कहलाता था। और यह प्रक्रिया प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आ रही है। जैसे सीता के खोज में हनुमान का प्रयोग किया गया, हनुमान जी खोजने गए थे, ठीक है, हनुमान जी खोजने गए थे लेकिन लंका को जला के चले आए, अर्थात गुंडई करके लंका में चले आए। चलिए, और कैटिल्य ने दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है। बच्चों थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट कुछ ज़्यादा ही हुआ है, आप लोग कभी वर्णों पर नहीं कुछ हमारे शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है, जिसमें एक है संस्था, दूसरा है संचार। संस्था जो होते हैं ये एक ही स्थान पर रहकर सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करते हैं, अर्थात अपने भी राज्य में हो सकते हैं, अन्य दूसरों के यहाँ भी नियुक्त हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं ये संस्था, अर्थात ऐसे भी अपने अधिकारी हो सकते हैं उच्च कोट के, जिनके यहाँ नौकरों के रूप में, खाना बनाने वालों के रूप में, झाड़ू पोछा करने वालों के रूप में राजा के गुप्तचर लगे होते हैं। कहीं ऐसा ना हो बड़ा अधिकारी है, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, कहीं ऐसा ना हो शत्रु राज्यों से मिल जाएं, इसलिए उनके यहाँ कर्मचारियों के रूप में भी वो राजा के गुप्तचर लगा दिए जाते थे, ठीक है। आवश्यकता पड़ती थी तब भी लगा दिए जाते थे, नहीं आवश्यकता पड़ती थी तब भी उनके यहाँ होते थे, ताकि उनकी कोई भी गलती, जिनके ऊपर एक प्रकार से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था डिपेंड हो, उनको बिल्कुल सुकून से नहीं रहने दिया जाता था, उन भी हमेशा गुप्तचरों की ही निगाह में रहते थे, ताकि उनकी ओर से कोई गद्दारी, कोई जो है मैटर डिसबैलेंस ना होने पाए। अगला होता है संचार। संचार का कार्य क्या होता था, अन्य राज्यों में विचरण करते हुए जासूसी करते थे, चाहे शत्रु राज्य में चले जाएं, शत्रु की गुप्त जानकारी को देकर पता लगाएं। कभी कभी इन्हीं जासूसों को जो है लगा दिया जाता था शत्रु राज्यों को कमजोर करने के लिए, दंगा कराना, विद्रोह कराना, और लालच देकर शत्रु के सेनापतियों को या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को अपनी ओर मिलाना। तो ये जासूस जो है विचरण करते हुए जासूसी का कार्य करते थे, जरूरत पड़ने पर और भी उल्टे सीधे कार्य इनसे कराए जाते थे, ठीक है। इन्हें संचार कहा जाता है, अर्थात एक ही स्थान पर जो स्थिर हो संस्था, और जो चलने फिरने वाले हों, भ्रमणशील हों, वो है संचार, ठीक। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा मित्रों। चलिए अगला है जो है सेना के प्रमुख अंग। सेना को जो प्रमुख लड़ाकू अंग होते थे वो है रथी, रथ सेना, गज सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, अर्थात रथ, हाथी, घोड़े, पैदल। इसके अतिरिक्त भी जो बल होते थे, जो इनके सहायक बल के रूप में होते थे, आपूर्ति विभाग पहला हो गया, दूसरा नौसेना हो गई। नौसैनिक युद्ध नहीं होते था, लेकिन जो है नौकाओं को, नौकाओं के द्वारा सैनिकों को पार इधर से उधर कराना पड़ता था, इसलिए नौसेना भी एक सहायक बल होता था। गुप्तचर विभाग भी होता था। इसके अतिरिक्त जो है चिकित्सा विभाग भी होता था। ऐसे रावण के यहाँ चिकित्सा विभाग था, जिसका हेड कौन था, फुफेन बैद, जिसने लक्ष्मण को शक्ति से जिंदा बचाया था, ठीक। चलिए, इसमें जो पहली सेना होती थी वो होती थी रथ सेना। रथ सेना महाकाव्य काल में सेना का जो प्रमुख अंग होती थी, इसी के ऊपर, इसी के दम पर विजय और पराजय निर्भर करती थी। रथ भारी आकार के भी हो सकते थे, छोटे भी हो सकते थे, कई प्रकार के हो सकते थे। हालांकि उस समय रथ भारी आकार के होते थे, खास करके रथ सेना महाकाव्य काल में भी देखने को मिलता है, वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो है यहाँ आकर आप देखेंगे पौरव की सेना में भी कई फौरथ थे। तो रथों का प्रयोग जो है प्राचीन काल से ही होता रहा है, और प्रमुख सेना के रूप में होती रहा था। जब तक धर्म युद्ध हुआ तब तक रथों का प्रयोग होता रहा। रथ वहां से जो है रथों का पतन हुआ जहां से कूट युद्ध होने प्रारंभ हो गए, ठीक है। चलिए, रथ भारी आकार के होते थे, जिसे चार से छह घोड़े खींचते थे, और उन्हीं रथों पर आठ योद्धा धनुष बाण लेकर बैठते थे, ठीक है। चलिए, इनका जो प्रमुख हथियार होता था वो होता था धनुष और बाण। रथ जो होते थे इनकी एक कमी थी, केवल समतल भूमि पर कार्य कर सकते थे, अर्थात पहाड़ी पर, उबड़ खाबड़ जमीन में, और ये कीचड़ वाले क्षेत्र में, खेतों में, खलिहानों में बड़ी मुश्किल हो जाता था रथों का चलना, ठीक है।
और कौटिल्य ने 6 प्रकार के रथों का उल्लेख किया है जिनके कार्य भी अलग अलग थे। इसमें कुछ युद्धों के लिए थे, कुछ यात्राओं के लिए थे, कुछ विवाहों के लिए थे। अब आप देख सकते हैं रथ कितने प्रकार का था। पहला नंबर देवरथ, पुष्परथ, पर्याणिक। ये तीनों रथ जो थे ये देखने में सुंदर होते थे। इनका प्रयोग जो होता था राजा रानी केवल यात्राओं के लिए करते थे, शुभ कार्यों के लिए करते थे, या शादी विवाह में इनका प्रयोग किया जाता था, अर्थात वहीं पर जहां वीडियो रिकॉर्डिंग होना होता था। चलिए फिलहाल ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रयोग मान सकते हैं इसको, ठीक, लड़ाई के मैदान में नहीं, व्यक्तिगत प्रयोग। लड़ाई के मैदान में हो सकता है ये फजे फजाए रथ टूट टट जाए। अगले जो 3 प्रकार के रथ होते थे वो होते थे सांग्रामिक, पुरपुराभियानिक, बनाइक। ये तीनों रथ जो होते थे ये भारी आकार के होते थे, मजबूत भी होते थे, युद्ध कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता था, अर्थात लड़ाकू जो रथ थे वो ये तीनों लड़ाकू रथ थे, ठीक है। और झेलम का संग्राम जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था, उस युद्ध में रथों का पतन होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि पानी बरसने के कारण रथ जो है चल नहीं पाए, रथ नहीं चल पाए तो धनुर्धारी भी नहीं चल पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजा पोरस को युद्ध हार जाना पड़ा। और उसी के बाद कूट युद्ध भारी मात्रा में प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि विदेशी आक्रांता जो भी आए किसी ने धर्म का प्रयोग नहीं किया, सभी ने जो है सिर्फ एन केन प्रकार विजय, कैसे भी मिले विजय चाहिए, और विजय जो है धर्म की, धर्म को कोई जरूरत ही नहीं थी, धर्म बगल रख देते थे केवल विजय के लिए। चलिए आगे देखते हैं, झेलम के युद्ध में जब रथों का पतन हो गया तो उसी के बाद जब मौर्य काल और गुप्त काल प्रारंभ हुआ तो इन कालों में भी रथों का प्रयोग जो है सीमित रहा, अर्थात केवल राजा रानियों के यात्राओं तक ही सीमित था, लेकिन युद्ध के मैदान में बहुत ही कम प्रयोग हुआ या नहीं प्रयोग हुआ। और हर्षवर्धन की सेना में तो रथ होते ही नहीं थे, क्योंकि बाणभट्ट ने हर्षचरित में किसी भी रथ का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। जब तक धर्म युद्ध रहा रथों का प्रभाव बराबर बना रहा, और आप देखते होंगे रथों का आकार जैसे बढ़ने लगा, रथों का जो आकार छोटा होता था बड़ा होता था, तो छोटे रथ में कम योद्धा बैठते थे, बड़े रथ में ज़्यादा योद्धा बैठते थे। तो जैसे जैसे रथों का आकार बढ़ता गया वैसे वैसे उनको खींचने वाले घोड़ों की संख्या बढ़ती गई और रथों में बैठने वाले योद्धाओं की संख्या भी बढ़ती गई, ठीक है। तो जैसा रथ वैसे जो है उनके ऊपर योद्धा बैठते थे, ठीक है। अगला जो दूसरी सेना थी वो थी गज सेना। गज सेना भी एक महत्वपूर्ण सेना होती थी, जो कि महाकाव्य काल से ही गज सेना का प्रादुर्भाव हुआ था, जबकि वैदिक काल में गजों की सेना नहीं होती थी, क्योंकि वैदिक काल में गजों को केवल जंगली जानवर समझा जाता था और घुड़सवार भी नहीं होते थे फिलहाल उस समय। तो चलिए इनका कार्य क्या होता था, युद्ध में शत्रु सेना को आतंकित करना, चूंकि हाथी भारी आकार के होते थे, शत्रु सेना को डराने के लिए जंगलों एवं झाड़ियों के बीच रास्ता बनाने में गज सेना का प्रयोग किया जाता था। कुचलते हुए जंगलों को तोड़ते हुए ये जंगलों से भी रास्ता बना देते थे, और शत्रुओं के फियरों को तोड़ना, शत्रुओं के फियरों को भी कुचलवाने के काम आते थे, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा इनको जो है युद्ध भूमि में प्रयोग भी किया जाता था लड़ाइयों के लिए। अगला है घुड़सवार सेना, ठीक है। घुड़सवार सेना जो होती थी झेलम संग्राम के बाद इनका महत्व तो बढ़ा था, क्योंकि झेलम के संग्राम में रथ जो है रथों का पतन हो गया था, रथ सेना पोरफ की बिल्कुल बेकार हो गई थी, युद्ध में कोई भूमिका नहीं अदा कर पाई, इसीलिए उसके बाद रथों का महत्व तो लगभग काफी हद तक सीमित हो गया। लड़ाई के मैदान में तो लगभग देखा जाए तो समाप्त ही हो गया, ठीक है, कहीं कहीं जरूर मिलता रहा लेकिन लगभग समाप्त हो गया था। क्योंकि घुड़सवार सेना को क्यों माना जाता है अच्छी सेना माना जाने लगा, क्योंकि ये हर प्रकार की भूमि पर कार्य करने की क्षमता है, चाहे उबड़ खाबड़ भूमि में लड़ना हो, चाहे खेतों खलिहालों में लड़ना हो, चाहे नदियों को पार करना हो, चाहे पहाड़ियों पर लड़ना हो, घुड़सवार सेना हर स्थान पर प्रयोग की जा सकती थी। हर स्थान पर ना तो मार्ग की कोई आवश्यकता थी, क्योंकि रथों को चलने के लिए मार्ग की जरूरत होती थी, हर स्थान पर रथ नहीं चल सकते थे। इनको घोड़ों को आप चाहे जहां दौड़ा दीजिए, हर स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, उबड़ खाबड़ भूमि पर, चाहे जहां पर गीले में नदियों में भी आप हिलवा दीजिए, इनको कुदा दीजिए, आपको पार करवा देंगे, ठीक है। नदियों को आसानी से पार कराना, ये सब किसके ऊपर था,
घुड़सवारों के ऊपर। अधिक गतिशीलता भी होती थी, रथों के मुकाबले अधिक गतिशील होते थे और चाहे जैसे दौड़ते चले जाते थे। रथों को तो बाई रोड जाना पड़ता था, ये तो बेचारे कूदते फांदते डाँड़ मेड़ सब पकड़ के चले जाते थे और तीव्र आक्रमण में ये सहायक होते थे। ठीक है, अगली जो सेना होती थी वो है पैदल सेना। पैदल सेना जिसे कि जो कि पैदल सेना जो कि युद्ध करने वाली सेना होती थी और युद्ध के साथ साथ कई कार्यों में भी प्रयोग किया जाता था। जैसे पैदल सैनिकों को ही गेट कीपर के रूप में, सुरक्षा गार्डों के रूप में और भी स्थान स्थान पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसे युद्ध की रानी भी कहा जाता है क्योंकि हर काल में, प्राचीन काल में भी इनका महत्व रहा, आज भी इनका महत्व बना हुआ है। महत्व तो इनका घटता रहा, बढ़ता रहा, घटता रहा, बढ़ता रहा, लेकिन कभी समाप्त नहीं हुआ। जबकि देखा जाए तो आज के समय में रथ सेना समाप्त हो गई हमारी, गज सेना समाप्त हो गई, घुड़सवार सेना समाप्त हो गई, लेकिन रथ और लेकिन युद्ध की रानी इसीलिए कहा जाता है कि हमारी पैदल सेना पहले भी थी, वैदिक काल में भी, यहाँ तक कि उसके पहले जो है, पहले भी जो है सैनिक सैनिक पैदल ही लड़ते रहे हैं, चाहे वो टोलियों के हो, चाहे काबिलों के हो, चाहे जंगली जातियों के हो, अर्थात पैदल सेना कभी समाप्त हुई ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन काल से आज तक इसका महत्व तो बना हुआ है। अगली जो होती थी वो है नौसेना। नौसेना कोई लड़ाकू अंग नहीं होता था, लेकिन फिर भी सेना के लिए एक जो है सहायक अंग के रूप में जरूर होता था, क्योंकि प्राचीन काल में नौ सैनिक तो युद्ध तो हुए नहीं, बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी जिनका कार्य क्या होता था, सैनिकों और अन्य कर्मचारियों को नदी पार कराना। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों, इसको आप लोग समझ लेना, नदी पार कर आना लिखा है, तो नदी पार कराने के लिए नौकाओं का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुरक्षा है तो किलेबंदी। देखा जाए तो किले प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों होते थे। प्राकृतिक किलों में मान लीजिए पहाड़ियां हैं, पहाड़ी उस पार है तो पहाड़ियों के ऊपर से उस समय आक्रमण होना संभव नहीं होता था। घने जंगल एवं नदियां हैं तो नदियों की ओर से बड़ी मुश्किल में ही आक्रमण होते थे। फिलहाल नदियों की ओर से जो भी आक्रमण होते थे वो दिखाई पड़ते थे, तो तब एक प्रकार से नदियां भी सुरक्षा हेतु किले का ही काम करती थी। कृत्रिम किलों के रूप में क्या बनवाया जाता था, जो आज के किले बने हैं, जो कि ईंटों और पत्थरों की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी, खाइयां खोद दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कटीले तार, कटीले पेड़ आदि का प्रयोग किया जाता था अपनी सुरक्षा के लिए या किलेबंदी के लिए। जैसे आज के समय में कटीले तार, कटीले पेड़, इन सब का प्रयोग सीमाओं की रक्षा के लिए किया जाता है। हालांकि सीमाओं पर तो तारों के बीच में बितारों में बिजली भी दौड़ाया जाता था। फिलहाल कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चार प्रकार के किलों का वर्णन किया है, वो हैं औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, बन दुर्ग। आप देख सकते हैं हम, औदक दुर्ग वह दुर्ग होता है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, ठीक है, अर्थात टापू जैसा आकार, चारों तरफ पानी भरा हो, तो वो है औदक दुर्ग। पार्वत दुर्ग क्या होता था, वह दुर्ग जो पहाड़ियों पर बना हो, या तो पहाड़ी के ऊपर बना हो या चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हो, ठीक है। अगला है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग क्या होता था, जो रोगिस्तान, रेगिस्तान या समतल मैदान में बना हुआ हो, ठीक है, वो धानवन दुर्ग होता था। बन दुर्ग जो कटीली झाड़ियों एवं जंगलों में बना हुआ होता था, दलदले क्षेत्रों में, वो है बन दुर्ग। और सुरक्षा की दृष्टि से कौटिल्य ने औदक और पार्वत दुर्ग को श्रेष्ठ माना है। किनको श्रेष्ठ माना है, इन्हीं दोनों को, औदक दुर्ग और पार्वत दुर्ग, ठीक है, क्योंकि जल से घिरे होने के कारण इन पर भी जल्दी आक्रमण नहीं होता था, या फिर ऊंची पहाड़ियों पर बने होने के कारण या पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इन पर भी आक्रमण की संभावना बहुत ही कम थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। युद्ध कला जो होती थी उस समय, युद्ध कला के बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। युद्ध कला महाकाव्य काल तक अधिकांश धर्म युद्ध ही होते रहे हैं, फिर भी कूट युद्ध देखने को मिलता रहा। आप देखा जाए तो महाभारत में भी आपने देखा होगा बहुत ऐसे स्थान हुए हैं जहां पर धर्म की तिलांजलि दे दी गई। अभिमन्यु का वध किया गया, कर्ण का वध किया गया, पितामह भीष्म का वध किया गया, द्रोणाचार्य का वध किया गया, तो इन सभी चीजों में द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध किया गया, धृष्टद्युम्न का वध किया गया, दुर्योधन का वध किया गया, इन सब में देखा जाए तो कूट युद्ध ही देखने को मिलता रहा, ठीक है। केवल धर्म युद्ध का नाम था, लेकिन फिर भी अधर्म बहुत सारे उसमें होते रहे। और कौटिल्य ने तो कूट युद्ध को प्रमुख माना। कौटिल्य ने तीन प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है, धर्म युद्ध, कूट युद्ध, त्रिफणी युद्ध। धर्म युद्ध जो नियम से किया जाए, अर्थात युद्ध के नियमों का अगर पालन किया जाए तो वो है धर्म युद्ध। विजय मिले चाहे पराजय,
युद्ध क्या नियम, तो नियम, नियम को नहीं तोड़ना है तो वो धर्म युद्ध। दूसरा युद्ध दूसरा है जो वो है कूट युद्ध। कूट युद्ध में क्या किया जाता है, नियम से कोई मतलब नहीं, केवल विजय चाहिए। विजय हेतु किया जाने वाला युद्ध, चाहे छल बल कपट सबका प्रयोग किया जाए, वो है कूट युद्ध। ठीक है, अर्थात नियम से किया जाने वाला युद्ध विजय मिले चाहे ना मिले धर्म युद्ध। केवल विजय के लिए किया जाने वाला युद्ध, चाहे छल बल कपट ही करना पड़े, वो है कूट युद्ध। और त्रिशूल युद्ध होता है जो युद्ध भूमि में ना लड़कर, युद्ध भूमि से हटकर एक प्रकार से शत्रु को कमजोर किया जाता है, या फिर शत्रु का अन्य तरीके से उनका वध किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, मुख्य युद्ध भूमि से हटकर जल स्रोतों में जहर मिला देना, जल स्रोतों में जहर मिला दिया जाए तो वहां पीने वाले सभी नागरिक हों चाहे सैनिक हों, सबकी मृत्यु हो जाएगी। रसोई भंडार में रसोइये को मिलाकर खाने में जहर मिलवा दिया जाए तो वो सबके सब मर जाएंगे। अगर जो बचे भी रहेंगे, एक दो मरे तो कोई खाना नहीं खाएगा, जो खाना नहीं खाएंगे तो भूख से भी मर जाएंगे। ऐसे पानियों में अगर एक दो को पानी, जहरीला पानी पिए, कोई दो चार मरे तो बाकी सब जो है पानी पीना भी बंद कर देंगे। मृत्यु दोनों तरफ है, चाहे पानी पीकर मरें चाहे प्यास से मरे, इधर रसोई में चाहे खाना खाकर मरे चाहे भूखे मर जाए। ठीक है, दोनों तरफ उनके मृत्यु दिखाई पड़ती है। उसके अतिरिक्त अनाज गोदामों एवं खड़ी फसलों में आग लगा देना, अर्थात खाने की सारी व्यवस्था को चौपट कर देना। इसके अतिरिक्त राजाओं को मारने के लिए सुंदर सुंदर विश्व कन्याओं का प्रयोग किया जाता था। विश्व कन्याओं जिनकी जो है धमनियों में, जिनकी सिराओं में, जिनकी नसों में जहर दौड़ता था। ठीक है, नाखून भी काट लें, दांत भी काट लें तो ऐसी कन्याएं, या उनके साथ कोई संभोग भी किया जाए तब भी ऐसी कन्याओं के द्वारा अगर प्रयोग किया जाए तो ऐसे राजाओं की भी मृत्यु हो जाती है, जिसे विष कन्याएं कहा जाता है, क्योंकि उनके शरीर के अंग अंग में जहर ही दौड़ता है। देखने में बहुत सुंदर रहेंगी, अमृत जैसे दिखने वाले विष कन्याओं में केवल विष ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की सैन्य रचना या व्यूह बनाकर युद्ध होता था। ठीक है, अस्त्र शस्त्र या हथियारों के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हथियारों की दो श्रेणियां होती थी, क्या, आक्रामक और रक्षात्मक। मित्रों ये लंबा हो जाएगा क्या, हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं खींचना चाहेंगे। मित्रों अगर वीडियो को हम लंबा खींच देंगे तो आप लोग उबने लगेंगे, आप लोग पूरा सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, जब तक आप पूरा सुनेंगे नहीं आपके समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले आपको तीसरे भाग में हम पढ़ाएंगे अस्त्र शस्त्र या हथियार, अर्थात प्राचीन भारत के हथियार कैसे थे, उसके बाद उनकी नीतियां कैसी होती थी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं यह चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।